पार्किंग की गई गाड़ियों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से गुंडागर्दी करते हुए करीब 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें ठाणे से सटे कलवा इलाके के मनीषा नगर की है, जहां रात के समय 6 गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई है। जिन लोगों की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है, ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जो यहाँ रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर करते हैं। गरीबों के रिक्शे में तोड़फोड़ कर दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। कौन लोग हैं वो जो इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं, अभी तक इसका पता नहीं चल सका है। मेरा नाम सर गिरधारी लाल पाल है। यहाँ से मेरा 1 साल पहले रिक्शा चोरी हो गया था। हम लोग बहुत ढूंढे लेकिन मिला नहीं। तो यहाँ पर मतलब ऐसा घटना हमेशा होता रहता है, 2 महीना 3 महीना। फिर मैंने कैमरा लगाया, 30-35 हज़ार रुपये खर्च किए, जब भी मेरा गाड़ी चोरी हुआ था तब तक का उकरा था। आज 10 दिन से कैमरा थोड़ा बंद हुआ, तो आज ये फिर वापस इतनी बड़ी घटना घट गया। 5-6 गाड़ी का मतलब कांच इतना बुरी तरह तोड़ दिए, नुकसान कर दिए। नहीं, किसी का टायर खोल लेते हैं, किसी का कांच तोड़ देंगे, किसी का मतलब ब्रेक पाइप तोड़ देंगे। तो गरीब आदमी उनको वो काम कराने में परेशान रहता है, और इन लोग को क्या मतलब मजा मिलता है जो नुकसान करके जाते हैं। यहाँ सर आके बैठ के जाते हैं, मतलब दारू पीते हैं गाड़ी में बैठ के। जैसे अभी हम गाड़ी ठड़ा करके चले गए, वो लोग आएंगे, 2-4 जन आएंगे, वहाँ दारू पियेंगे। कोई एक आदमी जाके रिक्शा वाला बोलेगा तो उसको गाली देंगे, तो वो चला जाएगा चुप करके, क्योंकि वो लोग झगड़ा करने के मूड में नहीं रहते। सारा दिन थके रहते हैं, मेहनत करके आते हैं और मतलब ऐसा करके मतलब वो चले जाते हैं, कौन इनके मुंह लगे। तो ऐसा सर नुकसान होता रहता है। हम लोग को प्रशासन से कि यही मांग करेंगे कि 1-2 राउंड मतलब, और ये घटना भी घटती है तो 1 सुबह में 3 से 4 बजे की घटना घटती है, और 1-2 के करीब। यही सर मेरा वो है उद्देश्य है। ये तीसरी घटना है कांच तोड़ने का। इसके पहले बैटरी वगैरह ये सब चोरी होता रहता था। अब ये कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, ये हमको क्लियर नहीं है। लेकिन हमारे साथ में ऐसा हो रहा है। हम लगभग यहाँ 2005 से पड़े हैं, ये झोपड़ा हमारा जो है, हम 2005 से हैं, और यहाँ रिक्शा 90 से 100 रिक्शा लगता है सब मिला जुला के। और इसी तरह ये सब कार्रवाई होता रहता है कि ये सब तोड़ते रहते हैं, हम लोग को परेशान करते हैं, नुकसान करते हैं हमारा। ये नहीं समझते ये गरीब लोग, मतलब इनका नुकसान करके क्या मिलेगा हमको। इससे पहले भी आपने पुलिस में कंप्लेंट की थी? हाँ, कंप्लेन हमने किया था, कंप्लेन किया था। पुलिस हमको सिक्योरिटी देने के लिए बोल रहा है, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी मिल नहीं रहा है, सिक्योरिटी हमको मिल नहीं रहा है। हम कंप्लेन देते हैं लेकिन वो बोलते हैं कि कैमरा लगाओ, वॉचमैन रखो। वॉचमैन रखते हैं तो लोग उनको भगा देते हैं परेशान करके, ऐसा घटना होता रहता है। पुलिस की तरफ से कुछ कार्रवाई कभी हुई है यहाँ पे? बस यही कंप्लेन हमको मिलता है, जो हम कंप्लेन मतलब देते हैं उनके पास, यही कंप्लेन हमको मिलता है। सीसीटीवी चालू है या नहीं चालू है? जब आप सीसीटीवी कैमरा का हमारा 15 दिन हो गया लगभग बंद है, उसके रिपेयर के लिए हम लोग भाग दौड़ कर रहे हैं। वर्कर वाल नहीं मिल रहे हैं, इसलिए जो है वो काम नहीं हो पा रहा है। क्या मांग रही है आपकी पुलिस प्रशासन से? यह है कि हमारा सुरक्षा, मतलब जो हमारे रिक्शे का सुरक्षा है, कैमरा तो हम लोग लगाए हैं, और उनका 1-2 राउंड रात में आना जाना, यही हम चाहते हैं। कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हमारा तो लगभग इस समय 6 रिक्शे का हुआ है।